कल हम लोगों ने जो देखा था वो एक छोटा सा पैराग्राफ देखा था, 9 से 10 वाले स्टूडेंट्स कॉलेज में क्रिसमस की छुट्टी थी, तो कल हमने हिंदी लिखा था, है ना? उसका इंग्लिश देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, कॉलेज में क्रिसमस की छुट्टी थी, इसमें हमने पोजीशन गेस किया था ना पहले वाले में, तो पोजीशन सब्जेक्ट तो बता ही दिया था, क्रिसमस की छुट्टी। क्रिसमस की छुट्टी का इंग्लिश द होलीडे ऑफ क्रिसमस, वो आज कर दिया। कॉलेज में, मे का इन होता ही है और कॉलेज, ठीक है। अगला सेंटेंस है, मैं छुट्टी बिताने गांव गया था, कल हमने गेस किया ही था कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले मैं गांव गया था का बना लेते हैं, मैं गांव गया था, मैं गांव गया था कल बना देते हैं। आई हैड गॉन टू विलेज। छुट्टी बिताने इक्वल टू होता है छुट्टी बिताने के लिए, ने का मतलब के लिए, तो के लिए का इंग्लिश क्या होता है? फॉर। ने के लिए यहाँ, इसलिए फॉर का इंग्लिश होगा। छुट्टी बिताना का इंग्लिश स्पेंडिंग, स्पेंड मीन्स बिताना होता है, छुट्टी का होलीडे। जैसे खाना खाने के लिए तो फॉर, या खाना खाने फॉर ईटिंग फूड, आम खाने के लिए तो फॉर ईटिंग मैंगो, पढ़ने के लिए फॉर रीडिंग, किताब पढ़ने के लिए फॉर रीडिंग बुक, तो छुट्टी बिताने के लिए फॉर स्पेंडिंग होलीडे, इसलिए, है ना। दूसरा सेंटेंस हिंदी में है, कल हमने लिखा था, गांव में साधारणतः लोग जल्दी सो जाते हैं, है ना। बोल्ड हमने कर दिया इंग्लिश को, आप लोग नीचे लिख लीजिए इंग्लिश, जैसे यहाँ कल वाली क्लास में लिखा था ना, हिंदी अलग इंग्लिश अलग, यहाँ पे देखो हिंदी ऊपर था फिर इंग्लिश उसका नीचे किया था, इसी तरह से यहाँ हमने बगल बगल में लिख दिया आपके सहूलियत के लिए, आप लोग नीचे लिखिए। जनरली साधारणता का इंग्लिश जनरली लोग जल्दी सो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, लोग का पीपल होता है, स्लिप अर्ली जल्दी का अर्ली, गाँव में तो इन द विलेज। द का यूज इसलिए विलेज से पहले किया है कि दुनिया में जितने भी गांव हैं उसका सेंस करने के लिए। अब दूसरा सेंटेंस जो है, मैं भी रात्रि का भोजन करके अपने सेंट कर्च की ओर गया गया। हैविंग प्लस बी थ्री प्लस सेंटेंस प्लस स्टॉप, कल ही गेस किया था, हैविंग कर दिया। अब पहला वर्ड ईटन है, सो निकल गया। ईटन का असर किस पे पड़ रहा है? डिनर ना, तो ईटन का ऑब्जेक्ट डिनर हो गया, तो वो भी निकल गया जाएगा सेंटेंस में। कल भी बताया था ना कि पहला वर्ब तो निकलेगा ही वर्बल के सेकंड केस में, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी निकल जाएगा, है ना। अब बच गया कि मैं अपने समकक्ष की ओर गया, तो आई, मैं भी गया, तो आई ऑल्सो कर दिया। वेंट ऑन की ओर का इंग्लिश ऑन होता है, टूवर्ड्स भी होता है और ऑन भी होता है। अपने के लिए माई बेडरूम, अपने के लिए माई, अपने समकक्ष तो माई बेडरूम। बहुत सारे स्टूडेंट ओन बेडरूम करते हैं, जो गड़बड़ है हम समझाएंगे कभी, माई होता है अपने के लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, चांदनी रात थी, तो ये तो पोजीशन है ना, चांदनी रात थी, पोजीशन चांदनी रात थी, तो मून नाइट, चांदनी रात का मून नाइट वॉच कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉच भी है। तो यहाँ पोजीशन का ना और भी कुछ फॉर्मूला होता है, दो और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमें समझाया, ये तो हम जानते हैं पोजीशन का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज योर ऑब्जेक्ट। इसके लिए दो और फॉर्मूला होता है, ये और ये, एक देयर प्लस इज एम आर वाज योर सब्जेक्ट, एक इट प्लस इज योर वाज प्लस सब्जेक्ट। तो हमने मून नाइट वाले में ये लगाया, लगा तो कोई भी सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने ये लगा दिया, इट वाज सब्जेक्ट हो गया मून नाइट, था है तो वाज, इज रहेगा तो है लिख देंगे, तो इट वाज मून नाइट। ये तीनों में कोई अंतर नहीं, तीनों पोजीशन का फॉर्मूला थोड़ा बदल दिया हमने, आ गया इट वाज मूनलाइट, आ गया चांदनी रात थी, ये इट वाज मूनलाइट कर दिया। अब अगला है, बाहर कड़ाके की ठंड थी, कल लिखा था ना बाहर कड़ाके की ठंड थी, तो उसका अभी इट, ये भी पोजीशन हो गया ना, इट वाज इट कर दिया, वाज कड़ाके की ठंड सब्जेक्ट हो गया, तो बीटर कोल्ड, बीटर मीन्स करा क्या, कोल्ड मीन्स ठंड, बीटर कोल्ड, बाहर तो आउटसाइड, पोजीशन करते हैं इट प्लस वाज
was it plus is a was plus subject, है ना, subject हो गया bitter cold. अब अगला है मैंने खिड़की से बाहर झांका, तो झांका तो B2, I peeped. झांकने का peep होता है B3, ED जोड़ देते हैं. I peeped बाहर का out. खिड़की से का तो from होता है, लेकिन खिड़की से तो आर पार देखते हैं ना, इस पार से उस पार का जब भी सेंस हो तो through कर देते हैं से के बदले, from for के बदले. तो through the window, जैसे नदी से पार के तो through the river, from the river. अब अगला सेंटेंस हमने लिखा था कि बाहर कुहासा था, पोजीशन है ना, तो इट वाला इट वाज, कुहासे का इंग्लिश फॉग होता है, बाहर का आउटसाइड, इट वाज फॉग आउटसाइड. आज हम लोग इतना ही करने लगते हैं, ठीक है. अगला क्योंकि थोड़ा सा नेट की समस्या आ रही है और जा नहीं पा रहा जल्दी जल्दी वीडियो, तो थोड़ा ही हम लोग क्लास करते हैं. ओके, लेकिन जरूरी है तीन तीन बार बनाते रहना.